हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हामिद और लेकर के आया हूँ मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो गाइज, आज की जो मेरी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ व्हाट्सएप के कुछ नए अपडेट के बारे में। व्हाट्सएप ने दो अपडेट किए हैं, एक अभी रिसेंटली 2 दिन पहले का अपडेट है और एक अपडेट थोड़ा सा पुराना हो गया है। तो चलिए आपके साथ में दोनों अपडेट शेयर करते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आपको थोड़े से भी अच्छे लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं बात करने वाला था व्हाट्सएप के अपडेट की। अभी 2 दिन पहले जो व्हाट्सएप ने अपडेट किया है वो ये है कि अब आपको कोई भी ग्रुप में बिना आपके परमिशन के नहीं ऐड कर सकता, और जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब किसी के पास भी नंबर होता है तो करते क्या है कि अगर ग्रुप क्रिएट किया कैसा भी फालतू का है, अच्छा है बुरा है, तो जो है ना लोग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे इससे। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्हाट्सएप का अपडेट है। और नेक्स्ट जो अपडेट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है उस अपडेट का वेट कर रहे थे। लगभग लोगों को पता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए ये यूज़फुल है। अपडेट जो किया है व्हाट्सएप ने वो ये है कि अब आपके व्हाट्सएप पर होगा फिंगर लॉक, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब काफ़ी लोग इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि जो है ना हमें ऐसा कुछ चाहिए। जैसे कि आप अपने सेलफोन में फिंगर लॉक लगाते हैं, तो उसी तरह का जो है ना अब हो गया है कि अब व्हाट्सएप में भी वैसे ही फिंगर लॉक आएगा। तो चलिए मैं आपको अपने सेलफोन में दिखा देता हूँ स्क्रीन में कि उस सेटिंग को कैसे क्रिएट करना है और किस तरह से जो है ना हम उसको यूज़ करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अपने सेलफोन पर। एंड गाइस, सिंपली आ गए हम अपने सेलफोन की स्क्रीन के ऊपर। देन मैंने ये अपना व्हाट्सएप ओपन किया, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जिस तरह का इंटरफेस कुछ इस तरह का होगा जब आप अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लेंगे, और उसके बाद जब आप फिंगरप्रिंट्स को अप्लाई कर देंगे। इसके अंदर पैटर्न लॉक नहीं होता है, खाली फिंगरप्रिंट लॉक होगा। और जैसे कि हमारे सेलफोन में होता है कि हम कई सारी फिंगर्स लगा सकते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही फिंगर्स आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और ये आपकी फिंगर्स के अलावा किसी भी चीज़ से नहीं खुलेगा। तो अच्छी चीज़ है अगर आप जो है ना प्राइवेट रखना चाहते हैं, किसी के साथ में अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस, चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने ओपन किया और बहुत अच्छा यार है। मतलब मेरी फिंगर के अलावा किसी भी चीज़ से अब व्हाट्सएप जो है ना नहीं खुलेगा। तो चलते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इस सेटिंग को अप्लाई करेंगे। ये आपको सेटिंग में आना है सिंपली, और सेटिंग में आने के बाद में ये सेटिंग जहाँ से ओपन हुई है, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोफाइल खोल लेंगे तो अकाउंट का जहाँ पे ऑप्शंस आता है, ये अकाउंट के ऑप्शंस पर क्लिक किया मैंने। और ये प्राइवेसी पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे प्राइवेसी के सारे जो है ना वो खुल जाएंगे। देन आपको सबसे नीचे आना है। जब आप अपना व्हाट्सएप अपडेट कर लेंगे तो ये फिंगरप्रिंट लॉक का सबसे लास्ट ऑप्शंस आपको दिख रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो मैंने अभी अप्लाई कर रखा है तो इसलिए जो है ना ये इस तरह से दिखा रहा है। यहाँ से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने ऑफ कर दिया। तो जब आप अपना व्हाट्सएप अपडेट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, और जैसे ही यहाँ से आप अप्लाई करेंगे ये पूछेगा कंफर्म फिंगरप्रिंट, मतलब कौन सा आप फिंगरप्रिंट लगाना चाहते हैं। तो मैंने ये अपना फिंगरप्रिंट दे दिया इसको, ये हो गया डन। अब जो है आपको अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हाँ मेरा व्हाट्सएप कोई और ना खोले मेरी बगैर परमिशन के, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए आपको एक बार लॉक करके दिखा देते हैं। ये हमने अपने सेलफ़ोन को लॉक किया, देन ये मैंने खोला, ये व्हाट्सएप हमने खोला, ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इसके अलावा किसी भी चीज़ से आपका व्हाट्सएप ओपन नहीं होगा। तो गाइज़, ये थी एक मेरी बहुत छोटी सी वीडियो, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।